साल में हर साल फरवरी के महीने में इन्हें बुलाया जाए और इन्हें सम्मानित किया जाए। हमारे राजस्थान में रहने वाले जितने भी रिटायरीज हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, वो सभी यहाँ आए हैं। डायरेक्टरेट सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल, उनके निर्देशानुसार हमें यह निर्देश दिया गया है कि हमारे वेटरन्स जो हैं, हमारे जो रिटायरीज़ हैं, साल में हर साल फरवरी के महीने में इन्हें बुलाया जाए और इन्हें सम्मानित किया जाए। हमारे राजस्थान में रहने वाले जितने भी रिटायरीज़ हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, वो सभी यहाँ आए हैं, हमने उन्हें सम्मानित किया है, उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश की है कि यदि वो कुछ प्रॉब्लम अगर वो फेस कर रहे हैं तो हमें बता सकते हैं। हालांकि हमारे हर ग्रुप सेंटर में वेलफेयर ऑफिसर हैं, डायरेक्टरेट लेवल पर भी कमांडेंट जो वेलफेयर थे उनका नाम चेंज करके कमांडेंट वेटरन कर दिया गया है। ये हमारे अंग हैं, हमारा हिस्सा रहे हैं, इन्होंने ही फोर्स को, बहुत कम सुविधाएँ जब थी फोर्स में उस समय इन्होंने काम किया और फोर्स को इस लेवल तक ले आए हैं। जो अच्छाइयाँ इन्होंने की हैं, हम सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको आगे बढ़ाएँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स हैं दुनिया की, 3.5 लाख के करीब आदमी CRPF में काम करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे सर्विंग जो हैं उनका तो ध्यान रखें ही, वेटरन्स का ध्यान रखना है। तो उसी उपलक्ष्य में, उसी तरफ ये बढ़ाया गया एक कदम है जिसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। लगभग कितने जनों का सम्मान किया? 100 आदमी आए हैं, तो 100 को हमने गारलैंड और इनका एक एक ट्रॉफी हम दे रहे हैं अपने तरफ से, और हमने इन्हें मौका दिया है कि ये अपनी बात कह सकें। यदि कोई कुछ कहना चाहता है, लोग अपना नोट करवा रहे हैं, जो हमारे लेवल का है हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्टरेट लेवल का है वो डायरेक्टरेट सॉल्व करेगा, और जो आगे होगा वो सरकार को भेजा जाएगा ताकि इनकी समस्या, यस, कुछ कुछ एक समस्याएं ये फेस कर रहे हैं, जिसमें कि CPC की सुविधा जो वो बता रहे हैं कि इतना जो पुलिस कंट्री CPC की सुविधाएँ, जो जैसे दूर झुंझुनू आदमी रह रहा है उसको यहाँ आना पड़ेगा, और कुछ एक और इन्होंने बताई हैं, कुछ एक दिक्कतें आ रही हैं, जो GST लग रहा है उसके लिए बताया, कई उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारी सेंट्रल पुलिस कैंटीन है इसमें GST जो लगता है वो GST हटा दी जाए। तो जो जो ये कह रहे हैं, जो हमारे लेवल का है, क्योंकि GST हमारे लेवल का नहीं है, इसको हम आगे भेजेंगे ताकि इनकी सुविधाएं को, हम इनकी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सकें। रिटायरमेंट जो यूनियन बनाने की बात भी कही उन लोगों ने, रिटायरी ऑलरेडी हैं, रिटायरीज कुछ एक लोग हैं जो कि अपने समस्याएं प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो सरकार से मिल रहे हैं और सरकार को अवगत करा रहे हैं, जैसे आर्मी का है उसी प्रकार CRPF के भी, पैरामिलिट्री के भी है, कुछ एक रिटायर्ड उसमें ऑफिसर्स हैं, SOs हैं, हमारे हर रैंक के लोग हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये एसोसिएशन बना रखा है।